ये कोई नहीं होगा पटवारी लेंगे एक डंडे लेके जाए पिंडी में मैं पिंडी से उन्हें डंडे ले जाओ तो काबिल हो जाओ तरीका है बड़ा बेहतरीन तरीका है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है कंप्लेंट सेल बनाने का अच्छा सर मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना था आपका साल कौन सा किस साल में अपने कंप्लेन करवाया 2000 किसी ना किसी वजह से जरूर होती होगी। मुझे नहीं बताया, मुझे कहा गया योर केस हैज बीन उसके पास ऑटोमेटिकली चली जाती है। और जिस डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेंट होती है ना, लाइक किसी भावलपुर की है, मुल्तान की है, ओवरटेक सिंह की है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उस हमारे जो नीचे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है मुबीन शहीद साहब थे, मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से। वो हमारे पास कैप्टन मुबीन शहीद, वो जनाब वो आते थे हाई कमीशन में, तो हमारी बड़ी लंबी उनसे मीटिंग्स होती। तो क्या ऐसी नई चीज है जो उस वक्त नहीं हुई और आप अब कर रहे हैं? अच्छा, जो आपने चीजें बताई हैं ये चीजें वो माजी में हो चुकी हैं? नहीं सर, ये जब माजी में जस्ट एक ना वो एक पोर्टल था, इस पे कंप्लेंट्स आती थी और हमने आके इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। ठीक है, हमने यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तान यहाँ आते हैं वो कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन उनके पास ही होती है, वो एक ले मैन ले एक क्लास हमने वो टैपटा के डेस्क रखा है कि जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं बच्चे यूथ या कोई भी बंदा, हम उसको अपने ओपीसी के प्लेटफॉर्म से टैपटा में भेजेंगे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग कराएंगे और उनको फिर ओवरसीज जॉब के लिए उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मखदूम साहब आई जी हाई कमीशन में, मैं यहाँ से मैं समझ गया कि काफ़ी फ़र्क है पिछली हुकूमत में। मखदूम साहब पाकिस्तान हाई कमीशन थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे ये सवाल किया जितना साहब बता रहे हैं कि अलग से जज और कोर्ट जो है वो ओवरसीज के केसेस को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद